हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एम। आज बेटे आपां साल 2022 विच होण वाले प्लस टू क्लास दे प्रैक्टिकल एग्जाम बारे गल करनी है। सो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम ये तुहाडा बेटा मे मंथ दिया लास्ट डेट्स तो लैके जून मंथ दे फर्स्ट फ्यू डेज दे विच हो जाएंगे। सो डिपेंड करता है कि तुहाडे स्कूल दे विच तुहाडा सुपरिटेंडेंट द्वारा केंद्र सुपरिटेंडेंट द्वारा जो भी टाइम टेबल निर्धारित किया गया उनके अकॉर्डिंग तुहानू इस एग्जाम की डेट मिलेगी। सो सेंटर सुपरिटेंडेंट जिहड़ा तुहानू नोट करवाएगा कि तुहाडा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम किस दिन होना है। आई होप कि तुहानू सारयां नू हुण तक ये डेट पता लग ही होएगी। सो बेटा आपां गल करते हैं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम च किवें लिखता जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम, की कुछ तुहानू पूछा जाएगा, तुसी की कुछ सबमिट कराना होएगा। सो बेटा जे आपां केमिस्ट्री दे फाइनल अंक देखते हैं तो ये 100 मार्क्स का पेपर है तुहाडा, जो कि थ्यूरी दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल टर्म 1 35 नंबर की टर्म 2 35 नंबर की, ये दो पेपर तुहाडे कंडक्ट हो चुके हैं। बचदा है प्रैक्टिकल एग्जाम जिहड़ा 25 मार्क्स का है, जिंदे बारे आपां अज गल करनी है। ते तुहाडे सीसीई इंटरनल असैसमेंट जिहड़ी है वह 5 मार्क्स की लगेगी। नोट करो, जे थ्यूरी चो तुसी पास हुंदे हो ओनली दैन तुहाडे प्रैक्टिकल और असैसमेंट के मार्क्स जुड़नगे। सो प्रैक्टिकल दे विच्चों भी पास होना जरूरी है, इहनू तुसी इगनोर नहीं करना। सो आपां इह समझदे हां हुण कि आपां नूं प्रैक्टिकल दे पेपर च कहे जा क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। सो बेटे अपने कोले कुल मिला के जे देखा जावे ना 3 सवाल होणगे जिहड़े तुसी लिखने होणगे। पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ते, दूसरा सॉल्ट एनालिसिस और तीसरा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। सो क्वेश्चन पेपर दे विच तुहानूं इह 3 सवाल पूछे जाणगे। इस तों इलावा प्रोजेक्ट वर्क 3 मार्क्स का है, तो जिहड़ी तुहाडी प्रैक्टिकल कॉपी है जिन्हों क्लास रिकॉर्ड कहने हैं तो वाइवा, ये मिला के 3 मार्क्स है। बेटा नोट करो इस चीज़ नू जो मैं हुण बोल रही हूँ, काफ़ी स्कूलों के विच बेटे जी जिहड़ा प्रोजेक्ट वर्क है ये हो सकता है ना असाइन किया गया होवे, ते तुहाडे जिहड़े वाइवा दे मार्क्स है या कॉपी दे मार्क्स है वो जिहड़े है प्रोजेक्ट वर्क नू रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब 3 नंबर का वाइवा तो 3 नंबर की कॉपी हो सकती है, ठीक है। बाकी आ 3 एक्सपेरिमेंट्स तुसी अपनी आंसर शीट के उत्ते लिखने होंगे। सो बेटे सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है तुसी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी जिहड़ी है उनू पूरा करो। सो इस दे लई ऑलरेडी टैलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड की जा चुकी है। वाइवा के जिहड़े क्वेश्चनस हैं वो तुहाडे कोलों वर्बली तुहानू एग्जामिनर क्वेश्चन पूछणगे, तुहाडे एक्सपैरिमेंट्स दे नाल रिलेटिड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जिहड़े हैं 1 मार्क जिद्दां दे हुंदे हैं, 1 सेंटेंस 1 लाइन वाले, वह क्वेश्चन भी तुहानू थ्यूरी दे विच्चों भी पूछे जा सकते हैं। बट इहदे लई इन्ना घबराण दी लोड़ नहीं हुंदी। मेन चीज़ वाइवा दे विच तुहाडी नॉलेज दे नाल नाल कॉन्फिडेंस भी देखना हुंदा, ठीक है। सो आपां गल करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बेटे आ वैसे तुहाडे कोले इत्थे मैं कोशिश की है कि तुहानू कंटेंट बेस्ड जिहड़े न्यूमेरिक प्रैक्टिकल्स हैगे हैं उन्हां दे सिलेबस बारे कुछ, जिवें इत्थे सारा कुछ बेटा सिलेबस जिहड़ा प्रैक्टिकल दा है वह मैनशन किया गया है। सो आपां शुरुआत करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो। सो आ वाला डायग्राम देख के तुहानू ये समझ लग गया होना कि मैं किहड़े एक्सपैरिमेंट की गल कर रही हूँ। बेटे ये है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिन्हों तुसी टाइट्रेशन के नाम नाल भी जानते हो। टाइट्रेशन दे विच आपां एक कंपोनेंट नू ब्यूरेट दे विच लै लैने हैं ते एक कंपोनेंट नू आपां फ्लास्क दे विच लै लैने हैं। सो ब्यूरेट दे विच्चों ड्रॉप बाय ड्रॉप मटीरियल फ्लास्क दे विच गिराया जांदा है। फ्लास्क दे विच इंडिकेटर करके आपां नू एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब कि सानू रिएक्शन कंप्लीट होण दा सूचना मिल गई है, ठीक है। सो आपां इत्थे
कुछ पॉइंट्स जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नूं असीं आंसर शीट ते लिखना है तो असीं उत्थे लिखना हुंदा है कि असीं सोल्यूशन ब्यूरेट च किहड़ा लिता, फ्लास्क च किहड़ा लिता, इंडिकेटर किहड़ा है ते एंड पॉइंट की होएगा। इस तों इलावा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दे विच जे तुसीं 7 चों 7 नंबर लैना चाहते हो तो सब तो पहला तुसीं एम लिखना है, अपरेटस लिखना है, कैमिकल रिक्वायर्ड, इंडिकेटर दे विच बेटा KMN नो 4 एक्ट एज सैल्फ इंडिकेटर। इस लाइन नो तुसी फिक्स कर लो भी आ लाइन तो याद करनी ही करनी है, KMN नो 4 एक्ट एज सैल्फ इंडिकेटर। सो एंड पॉइंट भी याद रख लो, कलरलेस टू पिंक। बेटे दोनों चीज़ा एक एक नंबर दिया है कि दोबारा फिर सुनो, इंडिकेटर ते एंड पॉइंट। इस दे बाद बेटे आपा थ्योरी पार्ट लिखना हुंदा है। याद रखो आपा प्रोसीजर नहीं लिखना आंसर शीट दे उत्ते। देन थ्योरी पार्ट दे विच जे तुहानूं पूरी थ्योरी नहीं भी याद रहिंदी तां तुसीं इक्वेशंस जरूर लिखनी है, इक्वेशंस दे भी मार्क्स हुंदे हैं। इस दे बाद तुसीं ऑब्जरवेशंस ओ नोट करदे हो। देन एक टेबल दे विच ब्यूरेट दी इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग ते किन्ना वॉल्यूम यूज होया, जेड़ी रीडिंग मैक्सिमम वारी बार बार आंदी है उन्हों आपा कहने कनकॉर्डेंट रीडिंग। कनकॉर्डेंट रीडिंग जेड़ी है एग्जामिनर चेक करते हैं बेटा। फिर तुहानू जनरल कैलकुलेशन आनिया बहुत जरूरी है, इन्हां नू तुसी प्रैक्टिस करो। 7-8 एक्सपेरीमेंट हैगे हैं जिन्हां दीआं जनरल कैलकुलेशन तुसी याद करनी है। दैन रिजल्ट जो भी तुहानू एम दे विच पुछा गया सी, जिवें इत्थे उन्होंने तुहानू कहा सी कि मोलैरिटी ते स्ट्रेंथ जिहड़ी है वह फाइंड करनी है तुसी। सो मोलैरिटी इत्थे अपने कोल कैलकुलेशनस दे बाद देखदे हैं, स्ट्रेंथ दे बाद जिन्नी भी आई वह रिजल्ट जरूर लिख के आना है। सो ये सारियां चीज़ां जिन्नियां मैं तुहानू कहियां ये 1-1 मार्क दियां, ठीक है। सो तुसी इस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट नू किवें लिखना है, केड़ियां केड़ियां चीज़ां याद करनी है वो तुहानू पता होनिया चाहिए। दोबारा फिर दस रही हैं, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ऑब्जरवेशंस, कैलकुलेशंस, दो नंबर दी होएगी कैलकुलेशन ते रिजल्ट अखीर दे विच जरूर मैनशन करना है। सो इन्दे नाल कुल मिला के तुहाडे 7/7 वॉल्यूमेट्रिक वाले सवाल चो पक्के हो जाते हैं। इस दे बाद जो आपा दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है वह है सॉल्ट एनालिसिस दा। सो सॉल्ट एनालिसिस बेटे मैं इत्थे सैंपल दे तौर ते एक जड़ी PDF तुहानू सेंड कीती हुई है ऑलरेडी उन्दे विचों लिता है। सो इन्दे च बेटे आपा कुछ गल्लां लिखनियां हुंदियां, ये भी 7 नंबर दा ही है। सब तो पहला फिजिकल स्टेट की है, कलर की है ते सॉल्ट दी स्मेल ओडोर कैसा है, की सॉल्ट पानी च सॉल्यूबल है, फ्लेम टेस्ट दिंदा है। फिर आपा एसिड रेडिकल दे प्रीलिमिनरी टेस्ट जड़े है वो करने हैं ते जड़े आपा नू काफ़ी आइडिया दे देंगे कि केड़ा केड़ा अनायन साडे कोले प्रेजेंट है ते केड़ा एबसेंट है। दैन असी अनायन वास्ते कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि साडे कोले आ वाला अनायन कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद गल करते हैं बेसिक रेडिकल दी। बेसिक रेडिकल्स दे लई असी बेसिक स्कीम कि ग्रुप 1 प्रेजेंट है, ग्रुप 2, 3, 4 केड़ा प्रेजेंट है वो असी ट्राई करना है ते जिहड़ा ग्रुप प्रेजेंट हुंदा है उन्दे रेडिकल्स दे लई असी कन्फर्मेटरी टेस्ट देने हुंदे है। सो इत्थे इक्वेशंस लिखियां बेटा, इन्हां इक्वेशंस नूं याद करन दी कोई लोड़ नहीं है। अखीर दे विच रिजल्ट तुसीं जरूर मैनशन करना है कि जिहड़ा भी तुहानूं सॉल्ट दित्ता गया सी उन्दे च एसिड रेडिकल ते बेसिक रेडिकल किहड़ा सी। सो इन्दे विचों दी भी बेटे तुहानूं क्योंकि नोटबुक्स दी हैल्प तुसीं लै सकदे हो बशर्ते तुहानूं लिखना आंदा होवे। सो 7 मार्क्स भी लैने इन्दे चों मुश्किल नहीं है। तुसी सीक्वेंस याद रखो कि पहला तुसी ड्राई हीटिंग टेस्ट जिंदे च तुसी सॉल्ट दा कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, फ्लेम टेस्ट ए दे रहे हो, फिर तुसी एसिड रेडिकल दे लई, फिर एसिड रेडिकल दे लई कन्फर्मेटरी, दैन बेसिक रेडिकल दे लई जिहड़ा अपना बेसिक रूट हुंदा है, दैन कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल और अखीर दे विच रिजल्ट। दैन अपने कोल कई वारी कंटेंट बेस्ड क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं भी किए हुए कोविड करके तो मे बी पॉसिबल कि तुहानू किसी गिवन ऑरगैनिक कंपाउंड दे विच केड़ा फंक्शनल ग्रुप है
वह पूछ लिता जाए। सो इन्दे लई भी बेटा आपां कलर स्मेल सॉलिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी कि सॉल्ट जड़ा है वह जो जलता है बलता है उसकी फ्लेम का सूटी है या नॉन सूटी फ्लेम है ये दसना होंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट ते कन्फर्मेटरी टेस्ट दे विचों जिहड़े तुहानू याद होएगा बेटा थ्यूरी दे विच आपां ऑर्गेनिक च डिस्टिंक्शंस वाले सवाल किए सी ना। सो जे आपां कार्बोक्सिलिक एसिड कहने हैं तो आपां कहने हैं कि मिठा सोडा पा देंगे पिंच ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट एंड एफरवेसेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। हुण ये टेस्ट जिहड़ा है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड देंदे है ठीक है। सो इत्थे एग्जाम्पल मैं लिती है फिनोलिक ग्रुप की। सो जिस करके आपां न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट दैन कपलिंग रिएक्शन भी इत्थे शो की गई है डाय टेस्ट जिहड़ा एजो डाय टेस्ट वो परफॉर्म किया गया। सो विद दिस बेटा आई होप कि तुसी अपने जिहड़े पेपर का स्ट्रक्चर है उन्हू चंगी तरह समझ लिया होना है ते आ वाले वॉल्यूमेट्रिक सॉल्ट एनालिसिस एंड कंटेंट बेस्ड जिहड़े प्रैक्टिकल्स हैं इन्हां नू लिखण दा तरीका आना चाहिए। बेटे एक्सटर्नल एग्जामिनर है या तुहाडे अपने स्कूल दे एग्जामिनर ने तुहानू स्कूल वाले टीचर्स ने जो तुहानू गाइड किया है उनके अनुसार ही प्रैक्टिकल कंडक्ट होएगा। मेन चीज़ यह है कि तुहाडी कॉपी पूरी होनी चाहिए है ते तुहानू प्रैक्टिकल लिखना किवें है ये आना चाहिए। एक चीज़ याद रखो प्रोसीजर किते लिखन की लोड़ नहीं होंदी। वॉल्यूमेट्रिक दे विच इक्वेशंस कैमिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ये जरूर आनिया चाहिए है। सॉल्ट एनालिसिस दे विच भी तुहानू पूरा वे जिवें मैं एक्सप्लेन किया है भी किवें सॉल्ट एनालाइज होंदा है वो करैक्ट वे आना चाहिए। कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल जिहड़ा है और प्रोजेक्ट वर्क ये दोनों टीचर ते डिपेंड करता है एग्जामिनर ते डिपेंड करता है कि वो इन्ना मार्क्स नू 8 मार्क्स नू कॉपी वाइवा इन्ना दे विच ही एडजस्ट भी कर सकते हैं अदरवाइज तुहानू ये एक्सपेरिमेंट लिखना आना चाहिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट ताकि तुसी सारे बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम दे विचों फुल मार्क्स एक्वायर करो 25 मार्क्स दे नाल तुहाडे केमिस्ट्री दे टोटल मार्क्स 100 दे विचों काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।